तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वन स्टेप का भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपको फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए, तो सारी स्टेप हम लोग लिखेंगे। खैर, तो ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि ये रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और जब भी रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर तो पार्शली परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो एक्स बाई थ्री का हम क्या लिख लें, इसको स्क्वायर लिख लें, डी एक्स लिख लें। थोड़ी और फॉर्मेलिटी हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स बाई थ्री को टी एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स बाई थ्री को आप टी एज्यूम कर लोगे, लेट कर लोगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई थ्री का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन बाई थ्री डी एक्स, और टी का वन हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर दीजिए वेरिएबल टी में, तो ये आपका हो जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप, थ्री इधर ले जाइए तो थ्री डी टी लिख सकते हैं। तो जो डी एक्स आपका है यहाँ पे थ्री डी टी आ जाएगा, और थ्री कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन या हो डिफ्रेंशिएशन कहीं से ये बाहर आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्या हो गया आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके लिए फॉर्मूला आपका क्या होता था, इस थ्री को हम छोड़ देते हैं, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए थ्री टाइम्स, ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला प्लेस कर रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स टी अंडर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब कितना हो गया वन प्लस टी स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन हो गया बाय टू, लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी प्लस रूट क्वाड्रेटिक, मतलब वन प्लस टी स्क्वायर प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी। अब टी के टर्म में आंसर हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, तो ये आप थ्री एक तो मल्टीप्लाई होगा और टी की वैल्यू रख लीजिए, तो पहले तो हम लोग वैल्यू रख लेते हैं बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन बाई टू टी की वैल्यू हो गई आपकी एक्स बाई थ्री, तो दैट इज एक्स बाई थ्री अंदर आ जाएगा आपका, जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माई नाइन वही कॉपी कर लेना चाहिए, प्लस वन बाई टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स बाई थ्री और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई नाइन और प्लस इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, और फाइनल आप जो थ्री है आप आंसर देख लीजिए आपके पास क्या अवेलेबल आंसर है, या तो थ्री मल्टीप्लाई करके दिया होगा या थ्री बाहर होगा, जैसा भी होगा दैट इज़ फाइनल आंसर फॉर माई साइड, है ना, आप अपना आंसर देख लीजिएगा।